नमस्कार, मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। मुस्लिम लीग की मांग के तहत आज के दिन सुझाया गया था पाकिस्तान का नाम। 28 जनवरी 1933 को नाउ आर नेवर शीर्षक से प्रकाशित की गई बुकलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र हुआ था। इस बुकलेट के संस्थापक चौधरी रहमत अली खां ने मुस्लिम लीग की मांग के तहत बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान का नाम सुझाया था। रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय मुस्लिमों और नेशनल मुस्लिम मूवमेंट के संस्थापक थे। यहाँ के कई मुस्लिम छात्र अल्लामा इकबाल की सेपरेट मुस्लिम नेशन थ्योरी पर लगातार काम कर रहे थे और इसी के तहत नाउ आर नेवर शीर्षक से बुकलेट निकाली गई थी। आज के दिन मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा गोपनीयता दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। डेटा गोपनीयता दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कतर, नाइजीरिया, इसराइल और 47 यूरोपीय देशों में देखा जाता है। 2006 में यूरोप परिषद के मंत्रियों की समिति ने 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। यह दिन अब यूरोप के बाहर गोपनीयता दिवस के नाम से दुनिया भर में मनाया जाता है। यह व्यक्तिगत डेटा के स्वचालित प्रसंस्करण के संबंध में व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन के हस्ताक्षर के उद्घाटन की सालगिरह का प्रतीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की आज के दिन हुई थी स्थापना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 28 जनवरी 1835 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेडिकल कॉलेज बंगाल के रूप में की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पुडुचेरी के एकॉल डी मेडिसिन के बाद देश का दूसरा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज और एशिया में यूरोपियाई चिकित्सा का दूसरा महाविद्यालय था। इसके साथ ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एशिया में यूरोपियन मेडिसिन की पढ़ाई के लिए इंग्लिश में लेक्चर आयोजित करने वाला पहला कॉलेज था। पश्चिम बंगाल का ये सबसे बड़ा अस्पताल भी है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का आज के दिन हुआ था जन्म। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को उपचार के दौरान उनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।